सुखेश आज बात करने वाला है मनोज दे के ऊपर कि मनोज दे लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो कॉपी कैट है, ये है वो खिलाड़ी वाला, तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, कि मनोज दे अगर दूसरों कंटेंट कॉपी करता भी है तो वो क्या वजह होती है, उसके पास कंटेंट की कमी हो गई है, कंटेंट उसके पास नहीं है, क्या वजह है, उसके ऊपर बात करने वाले कि कंटेंट वो कॉपी क्यों करता रहता है लोगों के और क्रेडिट भी नहीं देता, ये लोग कहते हैं क्रेडिट नहीं देता, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे क्रेडिट क्या होता है, क्या क्यों नहीं दिया जाता, ठीक है। तो मनोज दे एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी मेहनत से ऊपर चढ़ा है, किसी ने उसको हाथ पकड़ के जैसे चढ़ाया नहीं है, ठीक है, तीन चार साल पांच साल की मेहनत है उसकी, ठीक है, हम अभी आए हुए 6-7 महीने 1 साल हुए हमें, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कंटेंट कॉपी की, वो क्यों करते हैं, ठीक है, करते हैं क्योंकि मैं रिस्पेक्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, इसलिए थोड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है भाई। आप खुद बताओ, जो आप यूट्यूब के ऊपर आते हो, ठीक है, तो आप किसकी वीडियोस देख के आते हो, ऑब्वियसली बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देख के आते हो, उनका ही टॉपिक्स देखते हो और उससे रिलेटेबल बनाते हो या उससे अट्रैक्टिव बनाते हो या उससे अच्छा बनाते हो या सेम बना देते हो या यूनिक बना देते हो, टॉपिक तो उन्हीं के देखते हो ना कि वो कैसे वीडियो बना रहे हैं। तो अगर वो लोग कहें कि आप हमारे टॉपिक के रिलेटेड वीडियो क्यों बना रहे हो तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। बाकी रही मनोज दे की बात, तो भाई देखो सबको एक टाइम जरूरत पड़ जाती है कंटेंट की, ठीक है, अगर नहीं आ रहा माइंड में तो हर कोई यूट्यूब पर सर्च करता है कि न्यू, मतलब कुछ भी सर्च कर सकता है वो, और जिसकी वीडियो उसके सामने सामने आएगी वही हो सकता है उसने बना दे, तो उसमें ये तो नहीं है, हम भी तो बना देते हैं, तो वही वो बंदा क्या चीज है कि वो नहीं बना सकता, ऐसी कोई पाबंदी तो किसी के ऊपर होती ही नहीं है, ठीक है। खुद के ऊपर रख के सोचो कि जब हम यूट्यूब के ऊपर आए थे तो हम भी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखते थे, उनके टॉपिक कॉपी भी कर लेते थे, और कुछ कुछ लोग तो होते हैं कि बड़े यूट्यूबर की वीडियो तक अपने चैनल पर डाल देते हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं तो बेकार लगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस, ठीक है। मनोज दे एक बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर ये एम्पायर खड़ा किया है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और आप 2 मिनट नहीं लगाते कुछ बोलने में, इसमें कुछ हेट नहीं थी भाई भाई के लिए, मैंने सिर्फ थंबनेल इसलिए लिखा था कि लोग आप उसको क्लिक करके एक बार देख तो लो मैं बोलना क्या चाहता हूँ और पब्लिक क्या सोचती है बंदे के बारे में, ठीक है। बाकी रही बात मनोज दे कॉपी करता है तो भाई हाँ करता है, कभी कभी कर लेता है, तो भाई उसके ऊपर कोई वो नहीं है कि भाई वो कॉपी क्यों कर रहा है, भाई हम भी तो कॉपी करते हैं, माइंड सेट सबका होता है और सब करते हैं। तो भाई जब आपके पास टॉपिक नहीं आता तो आप यूट्यूब पे ही सर्च करते हो, सबसे पहले इन लोगों की ही वीडियो आपके सामने निकल के आती है, फिर आप सोचते हो कि हाँ इन्होंने बनाई हुई है, इनकी वीडियो रैंक कर गई थी, अब हम भी ऐसे ही किसी टॉपिक पे बनाएंगे कि हमारी वीडियो रैंक कर जाए, तो आपने क्यों बनाई उस टॉपिक पे, आप अपने माइंड से सोच के बनाओ क्यों उनकी कॉपी करी आपने, ये चीज होती है। अगर आप कॉपी करो तो कुछ नहीं, अगर बोलना सामने वाला कोई बड़ा यूट्यूबर कॉपी कर रहा है तो बहुत कुछ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हेट नहीं फैलानी चाहिए यूट्यूबर्स, कल को आपका चैनल बूस्ट होगा तो आप उससे बंदे से आंखों से आंखें कैसे मिलाओगे, ये चीज सोचो ना। तो भाई कभी भी दिल में किसी के लिए हेट मत रखो, कुछ मत रखो, वो बंदा लेजेंड लेजेंड ही रहेगा, ठीक है, आपके कुछ बोल देने से ये कुछ कंटेंट कॉपी कर लिया कुछ होने तो वाला नहीं है, ठीक है ना, तो बेफालतू में क्यों ही बोलना, कल को तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाएगा, ना हो कुछ भी ना हो, कल को आंखें मिलाने वाला टाइम आ गया तो आंखें कैसे मिलाओगे, ये चीज सोचो ना, ठीक है। तो वीडियो में बस मैंने यही बताना था, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं, अपना काम करते रहो, कोई कंटेंट कॉपी कर रहा है ये कर रहा है, अपना खुलता खुद को ऐसा समझो कि हाँ मैंने कंटेंट ऐसा बनाया है लोग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, आपको तो उल्टा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। बाकी मनोज दे हो गए, जुनू की टेक्निकल योगी हो गए, और भी बहुत सारे हैं। सो गाइस वीडियो यहीं तक, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, गाइस स्टे टून, और कहीं भी हेट मत फैलाना, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।